Hi friends, back to UK, India, के इस में हम बात करेंगे सम्मान निधि 2021 के बारे में जहां पर दोस्तों पीएम मोदी की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है जिसके बाद में इन किसानों को खातों में आने वाले किस्ते नहीं मिल पाएगी यानी यहाँ पर दोस्तों अभी इन्हें किसानों को खातों में किस्ता मिलना बंद हो जाएगा ऐसे में इन किसानों को पीएम मोदी का बड़ा झटका लगा है तो अभी हम आपस सभी को बताएंगे कि इन किसानों को ये आने वाले समय में किस्तें नहीं मिलेगी और आपको किस्ता आने वाले टाइम में मिलेगी या नहीं आप ये कैसे जान पाएंगे चेक कर पाएंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि आपके अपने इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिए और पास में दिख रहे घंटी के निशान को प्रेस करिए ताकि आपको आगे भी किसानों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने को मिले तो चलिए अभी हम जानते हैं कि किन किसानों को आने वाले टाइम में एक भी किस्त का फायदा खाते में नहीं मिल पाएगा तो पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी बड़ी खबर निकल के सामने आई है जहां इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे आठवीं किस्त के दो हजार रुपये लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम तो आठवीं किस्त का पैसा इनको नहीं मिलेगा इसको लेकर नई दिल्ली से बड़ी खबर निकल के सामने आई है तो पीएम किसान सम्मान निधि के आठवीं किस्त के पैसे जल्दी सभी किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ऐसे में कई लोगों को ये पैसा नहीं मिल पाएगा ये किसान कौन होंगे हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं जहां पर दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आठवीं किस्त दो हजार रुपये के रूप में किसानों के खातों में दी जाएगी और 1 अप्रैल 2021 से किसानों के खातों में आठवीं किस्ता आना शुरू हो चुका है और देश के करोड़ों किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम चला रही है इस योजना के तहत सरकार हर योग्य किसान के खाते में साल में तीन बार दो हजार रुपये के हिसाब से 6000 हजार रुपये जमा करती है सरकार पहले किस्त एक अप्रैल से तीसरा जुलाई तक देती है दूसरी किस्त एक अगस्त से लेकर तीसरा नवंबर तक किसानों के खातों में आती है और तीसरी किस्त और अंतिम किस्त एक दिसंबर से इकतीस मार्च के बीच दी जाती है ऐसे में सरकार ने पहले किस्ता किसानों के खातों में डालनी शुरू कर दिए आपके खाते में ये पैसे इस बीच कभी आ सकते हैं अब दोस्तों इन लोगों को नहीं मिलेगा आठवीं किस्त का फायदा साथ ही आने वाले किस्ते भी इन लोगों के खातों में नहीं आएगी यानी यहां पर इनके लिए पूरी तरह से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें बंद हो जाएगी आगे से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अब दोस्तों ये क्यों होगा उसका वजह अभी आपस सभी को हम बता देते हैं जिससे आपके जो डाउट है वह क्लियर हो जाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कोई संदेह न रहे तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किस्त का लाभ पाने के लिए बनाए गए नियमों के मुताबिक इसी योजना का लाभ पाने के लिए किसान के नाम पर खेत होना जरूरी है इसके साथ ही अगर जमीन किसान के दादा या पिता के नाम पर है तो फिर योजना का लाभ नहीं मिलेगा इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होना जरूरी है इसी योजना में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले और डॉक्टर वकील आदि भी यहां पर बाहर रखेंगे ऐसे में यदि आप इन कैटेगरी में शामिल हैं तो आप यहां पर बाहर कर दिए जाएंगे इसी के साथ ही जो आपने किस्ते अभी तक उठाई है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े रहकर वह भी आपको सरकार को वापस लौटानी पड़ेगी पूरी तरह से पूरा पैसा आपको सरकार को देना होगा और दोस्तों लाभार्थी की लिस्ट में आप ऐसे अपना नाम चेक कर सकते हैं जहां पर की वेबसाइट है पी एम किसान डॉट गवर्नमेंट डॉट इन यह पोर्टल आपस सभी के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता है और यहां पर जाकर आपको फिर फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में जाना है वहां पर आपस सभी को बेनिफिशरी स्टेटस का ऑप्शन नजर आएगा जिस पर क्लिक करना है उसके बाद में यहाँ पर आप सभी को आधार नंबर बैंक खाता नंबर मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी फिलअप करनी है यानी भरनी है और इन तीन नंबर की सहायता से आप ये जांच सकते हैं कि आपको पीएम किसान योजना के तहत तो तो राशि मिलेगी या नहीं और इन तीन नंबर में से आपने जिस विकल्प को चुना है उससे भरना है। इन नंबर पर क्लिक करते आपके सामने सारे लेन देन का विवरण आ जाएगा जो कि आपस सभी ओपन करके देख पाएंगे बड़ी ही आसानी से बहुत ही सरल तरीके से और इसके बाद में आपको यहाँ पी एम किसान की कि आठवीं किस्त से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी कि आपके खाते में आगे किस्त आएगी या नहीं वही लाखों किसानों को यहां पर इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है जहां एक मार्च तक करीब चार लाख किसानों के खातों में सातवीं किस्ता नहीं पहुंची है ये आंकड़े पीएम किसान पोर्टल से मिले हैं इसमें सबसे ज़्यादा किसान उत्तर प्रदेश हैं जिनकी संख्या बताई जा रही है एक लाख अड़सठ हजार एक सौ तिरासी जिनकी सातवीं किश्त पेंडिंग है जबकि कि उन पचास हजार तीन सौ सत्तावन किसानों का पेमेंट फेल हो चुका है किसानों का पेमेंट लटकने के मामले में दूसरा स्थान राजस्थान जिससे बड़े राज्य का है जहां पर ग्यारह हजार तीन सौ छियालीस किसानों का पेमेंट पेंडिंग है और पेमेंट फेल होने के मामले में अगला स्थान आता है आंध्र प्रदेश का जहां पर अट्ठाईस हजार चार सौ बाईस किसानों का पेमेंट फेल हो चुका है और आगे महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य है जहाँ पर पच्चीस हजार पाँच सौ सत्रह किसान है जिनके खातों में तो किस किस्त का लाभ नहीं पहुंचा है अब दोस्तों आप जान सकते हो कि किस प्रकार से किसानों को अलग किया जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से किसानों की छटनी की जा रही है अपात्र किसानों को बाहर किया जा रहा है और उनको यहां पर वापस पैसा भरना पड़ेगा यह भी सरकार की ओर से कहा जा रहा है अब दोस्तों यदि आप यहाँ पर अपात्र किसानों की श्रेणी में आते हैं तो अभी सचेत हो जाए अन्यथा आप सभी को आगे और ज़्यादा पैसा सरकार को वापस लौटाना पड़ेगा वहीं इसी योजना की शुरुआत के बाद जब सरकार ने जांच की तो पता चला कि स्कीम के जरिए ऐसे लोगों को फायदा मिल रहा है जो कि पात्र नहीं है अयोग्य किसान बस सरकार की कोशिश यह है कि इस स्कीम का फायदा हर हाल में ऐसे किसानों को मिले जो कि पात्रता की शर्तों को पूरी करते हैं यही वजह है कि बीते दो साल के दौरान राज्य सरकारों की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से इस स्कीम की शर्तों में कुछ बदलाव किए गए हैं वहीं आठवीं किस्त आने को है लेकिन फिर भी तकनीकी खामियों की वजह से अभी एक मार्च तक करीब चार लाख किसानों के खातों में सातवीं किस्त नहीं पहुंची अब दोस्तों आप यहां पर जान सकते हो कि किस प्रकार से मामला बेहद उलझन भरा है अब दोस्तों यहां पर पात्र किसान के साथ एक और वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपके खातों में पैसा नहीं आएगा अब दोस्तों वह गलतियाँ आप सुधार सकते हैं जिसके बाद में आपस सभी के खातों में पैसा आ सकता है और वह गलती यहाँ पर यह होती है कि आपस सभी ने जो फॉर्म भरा है उसमें गलत जानकारी दी है जैसे कि आपस सभी ने अपना खाता नंबर गलत बताया या फिर यहाँ पर आधार नंबर और जो आपने नाम लिखा है वह गलत है इसके अलावा अन्य पर आपकी जरूरी जानकारी आपने फॉर्म भरते समय गलत भरी है तो आपस सभी का यहां पर फॉर्म एक बार फिर से जांचा जाएगा उसके बाद में आपस सभी के खातों में पैसा आएगा और दोस्तों जब आप गलती सुधारेंगे तभी आपके खातों में पैसा आएगा दोस्तों यदि आपकी खातों में पैसा नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो अपना जो फॉर्म भरा है वह देखिए वहाँ पर आपने कोई गलती नहीं किए और यदि आपने कोई गलती कर दी तो उसे सही करिए उसके बाद में वह खामी सही हो जाएगी तो आपके खातों में तुरंत पैसा आ जाएगा और यदि आप एक अयोग्य किसान है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा ये बात पूरी तरह से क्लियर है तो दोस्तों इस सब प्रकार ये पूरी जानकारी है पी किसान सम्मान निधि योजना दो से जुड़ी जो कि यहाँ पर आप सभी के लिए बुरी खबर के रूप में निकल के सामने आई है क्योंकि दोस्तों अयोग्य किसानों को बाहर का रास्ता पीएम मोदी की सरकार की ओर से दिखाया जा रहा है अपात्र किसानों को यहां पर पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखाने के साथ उनसे पैसा वापस से वसूला जा रहा है जो उनके खातों में सरकार ने डाला है तो, तो प्रकार ये पूरी जानकारी थी किसान सम्मान निधि दो के बारे में तो, तो ये दिया आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी है। तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिए तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत